रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू, क्या कोई भी एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा कर पाएगा? राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री बनते कलाम तो 20 साल पहले भारत गाड़ देता विश्व में अपना झंडा। बचपन का छोटू बड़ा होकर मिसाइल मैन बना, अटल जी ने बुलाया तो कहा सर मैं नहीं बनूंगा प्रेसिडेंट। हिंदुस्तान में आजादी के बाद अगर किसी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति की जगह अगर वो भारत के प्रधानमंत्री होते तो आज भारत कई साल आगे होता। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री होते तो क्या होता बताएं? उसके पहले सुनिए उनका वो किस्सा जो ना तो कोविंद पूरा कर पाएंगे ना कोई और। कहते इंसान पैदा एक बार होता लेकिन मरता बार बार है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, मरो भी तो एक बार, दुनिया जिंदगी भर याद रखेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जीवन में जो अच्छे काम किए उनमें से एक अच्छा काम है कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाना। एक मिनट के लिए सोचिए अगर कलाम पैदा ही ना हुए होते तो हिंदुस्तान कैसा होता। जब देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बने थे उस वक्त पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव जैसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन भारत का एक सपना अधूरा था। भारत चीन से युद्ध हार चुका था और ये बात कलाम साहब को कभी हजम नहीं होती थी, इसलिए मछली पकड़ने वाला बच्चा वैज्ञानिक बनकर भारत के लिए कुछ करना चाहता था और यहीं से शुरू होती है कहानी एक छोटू की अजर अमर बनने की। जन्म तमिलनाडु के गरीब परिवार में हुआ, पिता नाव चलाते थे तो कलाम साहब मछली पकड़ते रहते थे, अखबार बेचा, पढ़ाई का खर्च उठाया, अखबार बांटने के साथ पढ़ते भी थे, वहीं देश बदलने का ख्याल आया। ऐसी गरीबी किसी के पास हो तो लोग मजदूर बनने के बारे में सोचते हैं। कलाम ने कहा मैं वैज्ञानिक बनूंगा। बचपन से चिड़ियों को उड़ता देख उड़ने का मन बनाया, विंग कमांडर बनकर भारत का मान बढ़ाना चाहते थे। पायलट की वैकेंसी निकली, फॉर्म भरा, परीक्षा में 9वां स्थान था, 8 सीट थी इसीलिए वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। एक सपना टूट जाने से बहादुरों की जिंदगी में और जोश आता है, वही हुआ। एक दिन की बात है, कलाम की DRDO में सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन कुछ सीखने को नहीं मिला तो नौकरी छोड़ दी। एक दिन इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से मुलाकात हुई और वहीं से जिंदगी बदल गई। नामी वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने कमाल की क्षमता को पहचान लिया और फिर वो हुआ जिसका इंतजार आजाद भारत को करीब 50 साल से था। विक्रम साराभाई ने तबादला इसरो में किया और यहीं से बन गए कलाम, मिसाइल मैन कलाम। अब उनके सामने दो लक्ष्य थे, पहला भारत का सफल परमाणु परीक्षण, दूसरा अमेरिका को ये बताना कि नया भारत कितना ताकतवर है। साल 1962 में कलाम पहली बार इसरो पहुंचे, कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने और जब भारत ने अपना स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 बनाया, कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया जिसके चलते अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक बनी। सन 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। जब वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया तब कलाम ने बड़ी भूमिका निभाई। कलाम की अगुवाई में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल पर खूब काम हुआ। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग नाम के मिसाइलों का निर्माण हुआ। साल 1985 महीना सितंबर त्रिशूल का परीक्षण, फरवरी 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण किया गया। इसके बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। इस दौरान भारत ने साल 1999 में परमाणु का सफल परीक्षण किया। दुनिया ने भारत का विरोध किया लेकिन अटल बिहारी और कलाम की जोड़ी ने ये काम कर दिखाया। कलाम का देश के प्रति डेडिकेशन देखकर अटल जी ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया और कहा आपको राष्ट्रपति बनना है। ये सुनते ही वो चौंक गए और कहा मैं नहीं बन पाऊंगा। फिर सोचने का वक्त लिया और दूसरे दिन राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गए। जब तक वो वैज्ञानिक थे देश उन्हें करीब से नहीं जान पाया, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो सबको पता चला ये है देश के असली हीरो। कलाम का कोई विरोधी पैदा नहीं हुआ, ना जीते जी ना मरने के बाद। पैदा हुए तो सपना देखा कैसे देश बदले और जब आखिरी सांस ली तो भी हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, ये पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा जैसे उनका जन्म हिंदुस्तान के किसी खास मकसद के लिए हुआ था। वो ईमानदार इतने थे कि राष्ट्रपति के कमरे में रहते थे, परिवार आता तो पूरा खर्च उठाते और सरकार को 3,52,000 का चेक तक देते। आज कोई प्रधान बन जाता है तो देश को जागीर समझता है। कलाम साहब राष्ट्रपति बनकर भी सच्चे फकीर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।